हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बुची अमिचेता। बुची अमिचेता वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवलिस्ट हैं यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज आज इनकी लाइफ, उनके वर्क्स और अवार्ड्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। ये बेसिकली एक नाइजीरियन बॉर्न नॉवलिस्ट है। ये बोर्न हुई थी 21 जुलाई 1944 को और इनकी डेथ हुई थी 25 जनवरी 2017। बुची अमिचेता इनका फुल नेम है फ्लोरेंस ऑने बुची अमिचेता, ये इनका फुल नेम है। ये बोर्न हुई थी 21 जुलाई 1944 लेगोस नाइजीरिया में ये बोर्न हुई थी और इनकी डेथ हुई थी जनवरी 25 2017 में इनकी डेथ हुई थी। लंदन इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी। इनके पेरेंट्स हैं एलिस अमिचेता, ये इनकी मदर हैं एलिस अमिचेता, एंड इनके फादर का नाम है जेरेमी नवा बुदिनिके, ये इनके फादर का नाम है। हर फादर वॉज आर रेलवे वर्कर, इनके फादर बेसिकली एक रेलवे वर्कर थे। हर नॉवल द स्लेव गर्ल 1977 इंस्पायर्ड बाय हर मदर एलिस अमिचेता, और इनका जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है द स्लेव गर्ल, वो इनकी मदर एलिस अमिचेता से इंस्पायर है। ड्यू टू द जेंडर बायस ऑफ द टाइम, उस टाइम के जेंडर बायस के कारण, मतलब लड़के और लड़की के भेदभाव के कारण, द यंग अमिचेता वॉज इनिशियली कैप्ट एट होम, अमिचेता को स्टार्टिंग में घर पर ही रखा गया। वाइल हर ब्रदर वॉज सेंट टू स्कूल, जबकि उसके भाई को स्कूल में भेजा गया। बट आफ्टर परसुएडिंग हर पेरेंट्स टू कंसिडर द बेनिफिट्स ऑफ हर एजुकेशन, लेकिन बाद में जब उन्होंने परसुएड किया उसकी एजुकेशन के बारे में, गर्ल्स एजुकेशन के बेनिफिट्स जब अपने पेरेंट्स को बताए, शी स्पेंड हर चाइल्डहुड एज एन ऑल गर्ल्स मिशनरी स्कूल। तो बाद में फिर इनको स्कूल में भेजा गया और स्टार्टिंग के जो उनके जो चाइल्डहुड था वो मिशनरी स्कूल में रहा, जहाँ की सारी गर्ल्स थी। When she was 9 years old, her father died of complication brought on by a wound contracted in the swamps of Burma. और जब उनके फादर की पोस्टिंग बर्मा में थी तो वहाँ एक दलदल के कॉन्टैक्ट में उनको एक घाव हो गया था और उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते बढ़ते इनकी फादर की डेथ हो गई थी उसकी वजह से। और उस टाइम बुची अमिचेता सिर्फ 9 years की थी। A year later, अमिचेता received a full scholarship to Methodist गर्ल्स स्कूल इन यापा लगोस, और बाद में एक साल के बाद अमिचेता को स्कॉलरशिप मिली लगोस में, वेयर शी रिमेंड अंटिल द एज ऑफ 16, यहाँ पे वो 16 की हुई जब तक यहाँ पे रही। ड्यूरिंग दिस टाइम हर मदर डाइड लिविंग अमिचेता एन ऑर्फन, और उसके बाद उनकी मदर की डेथ हो गई और जो अमिचेता थी वो एक ऑर्फन रह गई, एक अनाथ बच्ची रह गई। उसके फादर और मदर दोनों एक्सपायर हो गए। In 1960 के अंदर she married Sylvester Onwardy. Sylvester Onwardy के साथ इनकी शादी हो गई, school boy, वो उस time पे एक school boy थे, to whom she has been engaged since she was 11 years old. जब अमिचेता 11 years की थी तभी उनकी engagement हो गई थी इस लड़की के साथ और 1960 में इनकी शादी हो गई। Later that year, she gave birth to a daughter, और उसके बाद में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। And in 1961, their younger son was born, और 1961 में उनका बेटा बोर्न हुआ। Education. Onwardy immediately moved to London to attend a university, और उसके बाद इनके हस्बैंड जो थे वो लंदन चले गए यूनिवर्सिटी अटेंड करने के लिए। She gave birth to 5 children in 6 years, 3 daughters and 2 sons. और अपनी शादी के 6 साल के अंदर इन्होंने 5 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें की 3 बेटियां थी और 2 बेटे थे। Her marriage was unhappy and violent. इनकी शादी जो है वो ज्यादा, बहुत ज्यादा खुशनुमा नहीं थी, बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी थी, वॉलेंट थी। इसके जो हस्बैंड थे बहुत ज्यादा इनको टॉर्चर करते थे, एज क्रॉनिकल्ड इन हर ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग सच एज 1974 सेकंड क्लास सिटीजन, जैसे कि इन्होंने अपनी राइटिंग्स जो इनका नॉवल है सेकंड क्लास सिटीजन उसमें बताया है कि उनकी मैरिज लाइफ जो है वो अनहैप्पी थी और बहुत ज्यादा वॉलेंट थी। टू कीप हर सैनिटी अमिचेता रोट इन अ स्पेयर टाइम, और अमिचेता को जब भी टाइम मिलता था
वो उसमें लिखना शुरू कर देती थी। हाउएवर हर हस्बैंड वाज डीपली सस्पिशियस ऑफ हर राइटिंग्स एंड शी अल्टीमेटली बर्न सॉरी ही अल्टीमेटली बर्न हर फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट एज रिवील्ड इन द ब्राइट प्राइज्ड इवेंचुअली पब्लिश्ड इन 1976। और उसके जो हस्बैंड थे बुची अमिचेता के, वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस थे उनकी राइटिंग्स के कि बुची अमिचेता किस बारे में लिखती है, किसको लिख रही है, तो उस बारे में बहुत ज्यादा शक करते थे। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसके हस्बैंड ने उनका जो नॉवल था द ब्राइट प्राइज, उसका जो फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट था उसको जला दिया जो कि ब्राइट प्राइज पब्लिश हुआ था 1976 में। और ब्राइट प्राइज उनका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवल है, और इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। और अगर आपने वो इसकी समरी और डिटेल एनालिसिस अगर आपने देखना है तो वो आप मेरे चैनल पे दे सकते हैं। दैट वॉज हर फर्स्ट बुक, ये इनकी पहली बुक थी, बट शी हैड टू री राइट इट आफ्टर द फर्स्ट वर्जन हैड बीन डिस्ट्रॉयड। ये इनकी पहली बुक थी लेकिन इनको ये वर्जन दोबारा से लिखना पड़ा क्योंकि उनका फर्स्ट वर्जन जो था वो इसके हस्बैंड ने उनको जला दिया था और उन्होंने इसको दोबारा री राइट किया। एट द एज ऑफ 22 प्रेगनेंट विद हर फिफ्थ चाइल्ड अमिचेता लेफ्ट हर हस्बैंड। और 22 की एज में जो अमिचेता थी उनको फिफ्थ बच्चा होने वाला था, तो उस टाइम पे उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया क्योंकि उनकी शादी जो थी वो अनहैप्पी थी और बहुत ही ज्यादा वायलेंट थी, और उसके हस्बैंड जो थे वो बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार करते थे बुची अमिचेता के साथ, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। By working to support her children alone, she earned a BSc honors degree in sociology in 1972 from the University of London. और उसके अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, काम करने के लिए बुची अमिचेता ने BSc किया अपना 1972 के अंदर, लंदन यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद 1991 के अंदर उन्होंने अपनी PhD की। अमिचेता बिगेन राइटिंग अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ ब्लैक ब्रिटिश लाइफ इन अ रेगुलर कॉलम इन द न्यू स्टेट्समैन। उसके बाद बुची अमिचेता न्यू स्टेट्समैन के अंदर जो है अपना राइटिंग कॉलम जो है वो रेगुलर कॉलम जो था वो राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया, और उसमें उन्होंने अपने जो ब्लैक ब्रिटिश लाइफ है उसके एक्सपीरियंस जो थे वो उन्होंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया। A collection of these pieces became her first published book in 1972 in The Ditch. और ये जो भी पब्लिश हुए इनके एक्सपीरियंस जो इनके रेगुलर कॉलम्स में पब्लिश हुए, इन्हीं के कलेक्शन का इनका एक बुक पब्लिश हुई जिस जो नाम था इनका इन द डिच नाम से पब्लिश हुआ 1972 के अंदर। द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल क्रॉनिकल्ड द स्ट्रगल ऑफ ए मेन कैरेक्टर नेम्ड अदा। और ये जो नॉवल था ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल था और इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो अदा है। ही इज फोर्स्ड टू लिव इन अ हाउसिंग स्टेट व्हाइल वर्किंग एज ए लाइब्रेरियन टू सपोर्ट हर फाइव चिल्ड्रन। और इसके अंदर अदा जो है उसके पांच बच्चे हैं और अपनी फैमिली को चलाने के लिए वो एज ए लाइब्रेरियन काम करती है। सेम जो थी वो रियल लाइफ में बुची अमिचेता ने किया था। बुची अमिचेता ने अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए जो जॉब स्टार्ट की थी वो एज ए लाइब्रेरियन स्टार्ट की थी। तो ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल था। हर सेकेंड नॉवल पब्लिश 2 years लेटर, उसका उनका सेकेंड नॉवल जो है 2 साल के बाद पब्लिश हुआ, उसका नाम था सेकेंड क्लास सिटीजन। Also draw an Amicheta own experience, और इसके अंदर भी अमिचेता के अपने खुद के एक्सपीरियंस जो रहे हैं। And both books were eventually published in one column under the title Ada Stories. और ये दोनों नॉवल बाद में एक बुक फॉर्म में एक वन वॉल्यूम में पब्लिश हुए, दोनों ही बुक्स दोनों ही नॉवल्स, जिसको नाम दिया गया अदा स्टोरीज। तो आपको यूजीसी नेट में भी पूछा जा सकता है कि अदा स्टोरीज के अंदर उनकी कौन कौन सी जो है नॉवल्स हैं, तो उनके अंदर जो नॉवल्स है वो है इन द डिच और सेकंड क्लास सिटीजन। दीज थ्री स्टोरीज इंट्रोड्यूस अमिचेतास थ्री मेजर थीम्स विच वॉज द क्वेस्ट फॉर इक्वल ट्रीटमेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी एज अ व्यूमन। और इनकी जो मेजर थीम रही इसके अंदर वो रही है कि मेल और फीमेल का इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वीमेन की डिग्निटी होनी चाहिए, वो सारा थीम इन्होंने उठाए हैं। हर वर्क्स गेवन डॉलन 1989 आल्सो पब्लिश्ड एज द फैमिली। और इनका जो नॉवल था जो वर्क था वो गेवन डॉलन वो पब्लिश हुआ था फैमिली के नाम से बाद में। उसके बाद था 1994 के अंदर पब्लिश हुआ कहिंदे एंड द न्यू ट्राइब 2000 के अंदर ये पब्लिश हुए। Differ in some way as they address the issue of immigrants' life in Great Britain.
इनका जो इश्यूज था वो डिफरेंट था। इसका जो मेन इशू था इसके अंदर जो थीम थी वो थी कि ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जो इमिग्रेंट्स की लाइफ है उनकी जो इश्यूज हैं उसके बारे में थे। फ्रॉम 1965 टू 1969 अमिचिता वर्क्ड एज अ लाइब्रेरी ऑफिसर टू द ब्रिटिश म्यूजियम इन लंदन। और उसके बाद 1965 से लेकर 1969 तक अमिचिता ने ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर एज अ लाइब्रेरी ऑफिसर के रूप में काम किया। Following her success as an author, Amichita traveled widely as a visiting professor and lecturer. और उसके बाद as a author उनको success मिलने के बाद Amichita as a visiting officer बहुत सारी countries में गई। She visited American universities, बहुत सारी American universities में उन्होंने travel किया। University of California, Los Angeles में वो गई और उन्होंने lecture दिए वहाँ पे। From 1980 to 1981, she was senior resident fellow and visiting professor of English at the University of Calabar, Nigeria. और उसके बाद 1980 to 1981 जो है वो एक visiting professor रही Nigeria, University of Calabar में। From 1982 to 1983, Amichita together with his son Sylvester ran the Ogbogu Afor Publishing Company, published her own work under the imprint beginning with डबल योक 1982। और उसके बाद बुची अमिचिता ने अपने सन सिल्वेस्टर के साथ मिलकर एक पब्लिशिंग कंपनी जो है वो स्टार्ट की और उसका पब्लिशिंग कंपनी का नाम था ओगोबू अफोर। और उसके उसमें जो उनका फर्स्ट वर्क जो पब्लिश हुआ था वो था डबल योक 1982 के अंदर ये पब्लिश हुआ था। In 1982 she lectured as Yale University and the University of London। उसके बाद बुची अमिचिता 1982 में उन्होंने येल यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भी लेक्चर्स दिए। ओवर द ईयर अमिचिता वर्क्ड विद मैनी कल्चरल एंड लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन। और उसके टाइम के साथ साथ अमिचिता बहुत सारे कल्चरल और लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती रही, इंक्लूडिंग द अफ्रीकन सेंटर लंदन एंड द केन प्राइज फॉर अफ्रीकन राइटर। इन सारी लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बुची अमिचिता काम करती रही। बुची अमिचिता डाइड इन लंदन ऑन 25 जनवरी 2017 एज 72। और बुची अमिचिता की डेथ हुई 25 जनवरी 2017 में जब वो 72 ईयर्स की थी। मोस्ट ऑफ हर फिक्शनल वर्क्स आर फोकस्ड ऑन सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसियल prejudice informed by her own experiences both as a single parent and a black woman living in the United States। और जितने भी उनके works हैं बुची अमिचिता के, उन works के अंदर स्पेशली उनका जो मेन फोकस रहा है वो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन का जो टॉपिक रहा वो रहा है, रेशियल जो प्रेजुडिस है वो रहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो जो उनके अपने एक्सपीरियंस रहे एज ए सिंगल पेरेंट और सेकंड जो है वो एक ब्लैक वीमेन थी, तो दोनों ही लेवल पे उन्होंने जो उनके अपने एक्सपीरियंस रहे वो सारे उनके वर्क्स के अंदर उन्होंने शेयर किए हैं। अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की अगर बात करें तो बुची अमिचिता वॉन द 1978 जॉक कैंपेल प्राइज फॉर द न्यू स्टेट्समैन फॉर हर नॉवल द स्लेव गर्ल। द स्लेव गर्ल के लिए बुची अमिचिता को जॉक कैंपेल न्यू स्टेट्समैन का जो जॉक कैंपेल प्राइज जो है वो उनको मिला है। शी वॉज ऑन ग्रैंटा मैगजीन 1983 लिस्ट ऑफ 20 बेस्ट ऑफ यंग ब्रिटिश नॉवलिस्ट। और उसके साथ साथ बुची अमिचिता को 1983 के अंदर 20 बेस्ट यंग नॉवलिस्ट का अवार्ड भी उनको मिला है ग्रैंटा मैगजीन के द्वारा। She was a member of the British Home Secretary Advisory Council on Race in 1979। और 1979 के अंदर वो British Home Secretary Advisor on Race की एक मेंबर भी रही है। In September 2004, she appeared in a great day in London, photograph taken at the British Library features 50 black and Asian writers who have made major contribution to the contemporary British lecture. और उसके बाद सॉरी ब्रिटिश लिटरेचर। उसके बाद उन जो 2004 के अंदर ब्रिटिश लाइब्रेरी के लिए जो ग्रेट डे इन लंदन के अंदर जो था वहाँ पे फोटोग्राफ लिए गए 50 ब्लैक एशियन और ब्लैक राइटर्स के, और उनके अंदर बुची अमिचिता का भी फोटोग्राफ वहाँ पे लिया गया था। शी रिसीव्ड एन ऑनरी डॉक्टोरेट ऑफ लिटरेचर फ्रॉम फर्ले डिकिंसन यूनिवर्सिटी इन 1992। और 1992 के अंदर उनको डॉक्टरेट दिया गया डिकिंसन यूनिवर्सिटी के द्वारा।
अब उनके नॉवेल्स की बात करते हैं। वुची अमिचेरा के नॉवेल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में बहुत बार क्वेश्चन आए गए, डायरेक्ट डायरेक्ट उनके नॉवल और उनके राइटर का ही नाम पूछा गया है, मतलब उनके नॉवेल्स पूछा गया है और राइटर का नाम पूछा गया है, तो आपको नॉवेल्स के नाम पता होने चाहिए। तो उनके जो मेन इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं वो है इन द डिच जो पब्लिश हुआ 1972 के अंदर, सेकेंड क्लास सिटीजन 1974 के अंदर पब्लिश हुआ, द ब्राइड प्राइज 1976 के अंदर पब्लिश हुआ, द स्लेव गर्ल 1977, द जॉय ऑफ मदरहुड 1979। और जो क्वेश्चन यूजीसी नेट ने पूछा था वो पूछा था कि जॉय ऑफ मदरहुड की राइटर कौन है, तो ये बेसिकली बुची अमिचेरा थी। नेक्स्ट है द मूनलाइट ब्राइड 1981 के अंदर पब्लिश हुआ, डेजिग्नेशन बियाफ्रा 1982 के अंदर पब्लिश हुआ, नायरा पावर 1982 के अंदर पब्लिश हुआ, अदा स्टोरीज जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अदा स्टोरीज के अंदर टू नॉवल्स हैं, इन द डिच ये नॉवल है और सेकंड नॉवल है सेकंड क्लास सिटीजंस, ये टू नॉवल है और ये इकट्ठे पब्लिश हुए थे अदा स्टोरीज के अंदर। नेक्स्ट नॉवल है द रेप ऑफ शवी 1983 के अंदर, डबल योक 1982 के अंदर पब्लिश हुआ, अ काइंड ऑफ मैरिज, उसके बाद है गिल्डोलन 1982 पब्लिश्ड इन यूएसए यूएस एज द फैमिली, और ये फैमिली के नाम से पब्लिश हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट उनका वर्क है कहिंदे जो कि पब्लिश हुआ 1994 के अंदर, उसके बाद है द न्यू ट्राइब दो पब्लिश हुआ 2000 के अंदर, ये इनके इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं जो पब्लिश हुए थे। उसके बाद इनकी ऑटोबायोग्राफी की बात कर लेते हैं, तो इनका मेन ऑटोबायोग्राफी का नाम है हेड अबव वाटर और सेकंड है वॉइसेस ऑफ द क्रॉसिंग, द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटेन ऑन राइटर्स फ्रॉम एशिया द कैरेबियन एंड द अफ्रीका, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसके बाद चिल्ड्रंस बुक्स की बात करते हैं, डिच द कैट, नो वेयर टू प्ले, द रेसलिंग मैच, इनके इम्पोर्टेंट चिल्ड्रन बुक्स हैं। उसके बाद प्लेस, अगर बुची अमिचेरा के प्लेस के बारे में बात करते हैं तो जूजूज लैंडलॉर्ड्स, अ काइंड ऑफ मैरिज, फैमिली बार्गेन, ये थ्री इनके प्लेस हैं। उसके बाद आर्टिकल और शॉर्टर राइटिंग्स के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्स टू आवर ओन फ्रीडम, ये पब्लिश हुआ था 1981 के अंदर। नेक्स्ट है द ब्लैक स्कॉलर, नेक्स्ट है फेमिनिज्म विद अ स्मॉल एफ और एसेंस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स हैं बुची अमिचेरा के। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए, और बुची अमिचेरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है यूजीसी नेट की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।